श्रुति अनुभूति दोनों के विरुद्ध सांख्य स्मृति होने के कारण योग में भी कुछ अंश श्रुति अनुभूति के विरुद्ध होने के कारण उतने अंशों में न हमको सांख्य स्मृति मान्य है न योगा स्मृति। तो युद्ध है, वार को पलटता हुआ पूर्व पक्ष ने तो स्मृति की ओर से जो कुछ कहा था उसका उत्तर अब तक दे दिया गया। अब युक्ति प्रधान पूर्व पक्ष मानो सांख्य योग की ओर से प्रस्तुत है, केवल तर्क प्रधान। उसमें दो दाव है कि आप कहते हो कि सच्चिदानंद जो ब्रह्म है वो जगत का उपादान कारण है, ये श्रुति है, आप ऐसा मानते हो। तदैक्षत बहुश्याम तदात्मान स्वयमकुरुत सर्वम खलुदम ब्रह्म बहुश्याम प्रजायेय, इन श्रुतियों के आधार पर जगत को आप क्या मानते हो, ब्रह्म का कार्य ब्रह्म को क्या मानते हो, जगत का उपादान कारण। लेकिन श्रुति अभी तो है तैतृय उपनिषद जिसने कहा तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संभूत है, उसी ने ये भी कहा ना 2:6 में विज्ञानं च चेतन भी हुआ जड़ भी हुआ। अगर चेतन का ही कार्य जगत होता तो अविज्ञानं च पद क्यों देती श्रुति। तो मैं क्यों न, हम ऐसा क्यों न माने कि तुम्हारा ही पक्ष श्रुति के विरुद्ध है, श्रुति के तात्पर्य को तुम नहीं समझ पा रहे क्या। अब रह गई बात अनुभूति, अनुभूति क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध अनुभूति की बात क्या कही वेदांती ने, भाई तुम 1000 तत्व मानो 24 मानो 25 मानो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, अचित वस्तु के 5 से अतिरिक्त प्रभेद हो ही नहीं सकते, हमको तो ये जानकारी प्राप्त है। अगर अचित वस्तु के 5 से अधिक प्रभेद होते तो 6ठी इंद्री भी हमारे पास होती, 7वीं भी होती। ये कह सकते हो तुम विकलांग हो तो ब्रह्मांड में ढूंढ लो 6 इंद्री जिसके पास चला के दिखा दो। कोई कहे कि आँख नामक इंद्री नहीं है, 1000 आँख वाले खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे पास आँख नहीं है, हमारे पास तो आँख है। हम कहेंगे कि 6ठी ज्ञान इंद्री नहीं है, 6ठी कर्मेंद्री नहीं है, तो अगर 6ठी किसी के पास होती तो हमको दबा देते, सर्व तो इसमें सब सम्मत है या नहीं, इतना बता क्या सिद्ध हुआ। अगर 6 भूत होते तत्व होते पदार्थ होते अचित पदार्थ के प्रभेद, आत्मा तो साक्षात अपरोक्ष है, तो अगर 6 कोई भूत होते तत्व होते या 7 या 8 अष्टधा प्रकृति होती तो कम से कम 8 तो हमारे पास इंद्रियां होती, वो तो है नहीं ज्ञान इंद्रियां 8। यही तो अनुभूति है ना जिसके विरुद्ध हम हैं आपकी दृष्टि में। तो लीजिए मुंहतोड़ उत्तर समान वाचो युक्ति से, सृष्टि अगर सचमुच में सच्चिदानंद से बनी होती, सच्चिदानंद तत्व का परिणाम होती या विवर्त होती या सच्चिदानंद तत्व ही इसका उपादान होता, तो जगत जो है सुख दुख मोहात्मक क्यों होता, ये बताइए क्या। जगत सुख दुख मोहात्मक है तो कारण और कार्य में कौन सा कारण, उपादान कारण, उपादान कारण उपादेय में तादात्म्य होना चाहिए या नहीं। जैसे मिट्टी और घट में तादात्म्य है, तंतु और वस्त्र में तादात्म्य है, कटक मुकुट कुंडलादि रुचकादि में और सुवर्ण में तादात्म्य है, कार्य कारण में जल तरंग और जल में तादात्म्य है, ऐसे ही ब्रह्म में और जगत में तादात्म्य होता तो ये जड़ क्यों होता। जगत सुख दुख मोहात्मक है तो सुख मिलता है सत्वगुण की ओर से, दुख मिलता है रजोगुण की ओर से, मोह मिलता है तमोगुण की ओर से। इसका अर्थ क्या हुआ, युक्ति के विरुद्ध आपका पक्ष हो गया कि जगत का कारण उपादान कारण ब्रह्म है, और श्रुति के विरुद्ध इसलिए हो गया
कि अगर ब्रह्म ही सचमुच में कारण होता तो विज्ञानं च कह के श्रुति मौन हो जाती, अविज्ञानं च क्यों कहती। अविज्ञानं से तो ये होता है ना कि जगत जड़ और चेतन उभय रूप है, उभय रूप है तो फिर दोनों कारण होना चाहिए। कि पूर्व पक्ष श्रुति को लेकर भी दबा दिया कि आपके श्रुतियों आपने श्रुतियों में तालमेल नहीं बैठाया। सर्वम खलु ब्रह्म भी श्रुति है तो विज्ञानं च, विज्ञानं च भी श्रुति है, श्रुतियों में तालमेल बैठाना आप नहीं जानते। दूसरी बात है कि तर्कना शक्ति भी आपकी कमज़ोर है। तर्कना शक्ति क्यों कमज़ोर है कि अगर प्रकृति को न मान करके उपादान कारण ब्रह्म को मानते हैं तो जगत को सुख दुख मोहात्मक नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ, परमात्मा सत्य है तो किसी को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, कोई मरणशील पदार्थ नहीं होना चाहिए। परमात्मा चित्त है तो कोई अज्ञ मूर्ख ना समझ नहीं होना चाहिए। परमात्मा आनंद है तो कोई दैहिक दैविक भौतिक ताप संतप्त नहीं होना चाहिए, या मृत्यु का भय जड़ता और दुख पिंड नहीं छोड़ रहे। तो मानना पड़ेगा ना कि प्रकृति जगत का उपादान है, यही पक्ष है। तर्क प्रधान न विलक्षणत्वाद अस्य तथात्वम च शब्दात, न विलक्षणत्वाद अस्य तथात्वम, जैसा आप कहते हो वैसा न नहीं, क्योंकि विज्ञानं च अविज्ञानं च इस प्रकार का वचन है तैतृय। इससे सिद्ध होता है कि केवल चिद्रूप ब्रह्म तत्व जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता। एतावता हमारा जो पक्ष है सांख्यों का कि प्रकृति में और जगत में विश्व में क्या है, तादात्म्यापत्ति है, वो बिल्कुल ठीक है। जगत सुख दुख मोहात्मक है, प्रधान क्या है, सत्व रजस तमस, त्रिगुण की साम्यावस्था है, त्रिगुणात्मिका है प्रकृति, प्रधान त्रिगुणात्मक है। यह कहा ब्रह्मा से जगतो निमित्त कारणम प्रकृतिश्चेत यस्य पक्षस्य आक्षेप स्मृति निमित्त परिहृता है, तर्क निमित्त इदानीम आक्षेप परिहृते। ब्रह्मा से जगत निमित्त कारणम प्रकृतिश्च इत्यस्य, इस जगत का निमित्त कारण ब्रह्म है, प्रकृति माने उपादान कारण भी ब्रह्म है। प्रकृतिश्च माने प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात, पहले कहा या नहीं, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात। ब्रह्म जगत का केवल निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी है। एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा होने के कारण दृष्टांत भी है। एक लौह धातु का लोहा का ज्ञान हो जाने पर समस्त लोह पात्रों का ज्ञान हो जाता है। एक मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर मिट्टी के जितने कार्य घटा दी उन सब का ज्ञान हो जाता है। यह हुआ ब्रह्मा से जगत व निमित्त कारणम प्रकृतिश्च इत्यस्य पक्षस्य आक्षेप स्मृति निमित्त परिहृतः। स्मृति निमित्तक आक्षेप का समाधान कर दिया गया, पहले कर दिया तत्व समन्वयात ये सब। अब तर्क निमित्तक माने सांख्य आदि के यहाँ भी दो प्रकार के वचन हैं, एक तो अपना वचन शास्त्र रूप है, एक वचन तर्क प्रधान है। तो शास्त्र की दृष्टि से जो आक्षेप किया गया था उसका समाधान तो कर दिया, अब तर्कणा शक्ति के बल पर जो आक्षेप किया जा रहा है उसके समाधान के लिए नवीन अधिकरण है। कुतः परस्मिन नवधारधारितः आगमार्थे तर्क निमित्त, क्या है आगे, ओह इसमें सौ पूरा हो गया, ठीक अस्या होगा ना,
ये इसमें छूट गया, छूट ठीक है। तर्क निमित्त से आक्षेप से अवकाश है। अब कहते हैं आगम का शास्त्र का जो तात्पर्य है, पहले तो उसका सम्यक निर्धारण कर दिया गया है, फिर अब तर्कणा शक्ति के माध्यम से पुनः आक्षेप की दाल कैसे गलनी चाहिए, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यह सिद्धांति मानो कहता है। भाई पिष्ट पेशण की क्या जरूरत है, जो कुछ तुमने सांख्य स्मृति के आधार पर पक्ष निर्धारित किया उस सब का समाधान कर दिया गया, जिसका समाधान हो गया फिर शंका प्रस्थापित करने की आवश्यकता क्या है, अवकाश ही कहाँ है। तब कहते ननु धर्म इव ब्रह्मणि अपि अनपेक्ष आगमो भवितुम अर्हति। जैसे धर्म की सिद्धि में कौन है, वेद आगम ही प्रमाण है। आगमयिक समधिगम्य धर्म होता है क्या, आगमयिक एकमात्र आगम समधिगम्य धर्म होता है, वेदयिक समधिगम्य धर्म होता है। एकमात्र धर्म की सिद्धि में एकमात्र प्रमाण कौन होगा, वेद। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, गीता। धर्म क्या होता है, आगमयिक समधिगम्य। फिर पूर्व पक्ष, तो ब्रह्म भी क्या होता है, आगमयिक समधिगम्य। धर्म और ब्रह्म की सिद्धि में एकमात्र आगम ही प्रमाण है, प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों की गति कतई नहीं है धर्म और ब्रह्म की सिद्धि में। ठीक, क्या कहा, प्रमाण इतर प्रत्यक्षादि प्रमाण की गति बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कहो तो इस यहाँ पर अर्थ होगा, अगर ऐसा कहो तो अब थोड़ा विचार करना चाहिए, धर्म क्या है और ब्रह्म क्या है, दोनों में विलक्षणता क्या है। धर्म अनुष्ठेय पदार्थ है, भव्य है या भाव्य है। धर्म को क्या कहेंगे, धर्मांचर, ये सब यज्ञ दान तप ये सब धर्म है या नहीं, यज्ञ करने पर यज्ञ की सिद्धि होगी या नहीं, सिद्ध पदार्थ नहीं ना। भोजन बनाना कल्पना कीजिए, भोजन बनावेंगे तब भोजन की सिद्धि होगी या नहीं, तो यज्ञ करने पर यज्ञ की सिद्धि होगी, यज्ञ तो पहले से नहीं है ना। दान देने पर दान की सिद्धि होगी, तप करने पर तप की सिद्धि होगी। तो धर्म जो है अनुष्ठेय पदार्थ है, अनुष्ठेय को क्या कहते हैं, भव्य या भाव्य। भव्य माने बहुत अच्छा नहीं, ये तो भव्य भव्य मूर्ति, भव्य माने होने योग्य, उत्पाद्य, भव्य माने उत्पाद्य होने योग्य। मन मोदक से, मनोमोदक से कोई भूख की निवृत्ति होती थोड़े, मोदक की प्राप्ति होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत की 5-6 दिन पहले, यहाँ की बात नहीं है, मेरी पत्नी केवल लड्डू देती है खाने को, भूखे मारती है, लड्डू ही क्यों देती है, किसी तांत्रिक से पूछ कर उसमें कुछ जंतर मंतर टोना करके लड्डू ही देती है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, पुलिस रक्षा करे। इसका मतलब मनोमोदक से भूख की निवृत्ति नहीं होगी ना। तो अब क्या हुआ, पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष कहता है भले आदमी अगर धर्म का विषय होता तो तर्क की गति नहीं होती। मैं उदाहरण दे दूं, स्वर्ग कामो यजेता अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः। जिसको स्वर्ग पाने की इच्छा हो अग्निहोत्री बने, अधिकार की सीमा में याग करे। ये क्या हुआ, स्वर्ग में और याग में साध्य साधन भाव है, किस प्रयोगशाला में ज्ञान होगा इसका, मैंने भौतिक प्रयोगशाला में ज्ञान होगा प्रत्यक्षादि से। स्वर्ग
और याग का जो स्वर्ग है साध्य, याग है साधन, साध्य साधन भाव जो स्वर्ग और याग में है, प्रत्यक्षादि किसी अन्य प्रमाण से इसका ज्ञान हो सकता है। पुत्रेष्टि याग का फल पुत्र रत्न की प्राप्ति, आजकल के व्यक्ति कहेंगे आग में हो झोंको उसे बेटा पैदा होगा, गपशप है, गपशप की पराकाष्ठा आजकल ये कहेंगे ना, पुत्रेष्टि याग पुत्र की प्राप्ति, ठीक, अश्वमेध याग मरने पर प्रजापत पद की प्राप्ति को मानेगा, आजकल लोग ये कहेंगे ना, और क्या कहेंगे, कारीरी याग और वर्षा की सिद्धि। तो साध्य साधन भाव जो है अनुष्ठेय पदार्थ में किस साधन से कौन सा फल मिलेगा, वो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय है या केवल आगमय के समधिगम्य है। अनुष्ठेय पदार्थ में धर्म की सिद्धि में आगम ही एकमात्र प्रमाण हो सकता है, यह बात ठीक है, लेकिन वेदों का तात्पर्य केवल धर्म में ही नहीं है ना, ब्रह्म में भी है। कैसे, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उत्तर मीमांसा का प्रारंभ कहाँ से होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पूर्व मीमांसा का प्रारंभ अथातो धर्म जिज्ञासा, दोनों मीमांसा के द्वारा क्या सिद्ध हुआ कि वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है, इन्हीं दोनों को फालतू मानता है संसार आजकल। क्या कम्युनिज्म का अर्थ क्या है, धर्म और ब्रह्म निरपेक्ष शासन तंत्र का नाम कम्युनिज्म है, कम्युनिस्टों का शासन तंत्र है। अब थोड़ा विचार कीजिए, जीवन में धर्म निष्ठा नहीं और ब्रह्म निष्ठा नहीं तो जीवन की सार्थकता संभव है क्या, जीवन को सार्थक करने वाले जो तत्व हैं उन्हीं से पूर्ण परहेज है आजकल, तो पूरा विश्व कहाँ जा रहा है, नरक की ओर, विकास के नाम पे पूरा विश्व कहाँ जा रहा है, नरक की ओर। जिससे जीवन की सार्थकता है उसी से पूर्ण परहेज है, उसी के प्रति नास्तिकता है। धर्म और ब्रह्म के बिना जीवन सार्थक होगा क्या, धर्मनिष्ठा और ब्रह्मनिष्ठा भगवत भक्ति के बिना जीवन सार्थक होगा, यही दो परिपंथी हैं आजकल के लोगों की दृष्टि में। विकास में अवरोधक कौन है, धर्म और ईश्वर, यही तो देहात्मवाद है ना, विकास में अवरोधक कौन है, धर्म और ईश्वर, बड़ी विचित्र बात है। और हमारे यहाँ जीवन को सार्थक करने वाले धर्म और ईश्वर, जगत की संरचना का प्रयोजन, जीवन की सार्थकता, जीवन को सार्थक करने वाले धर्म और ईश्वर, इन्हीं दोनों से परहेज है भौतिकवादियों को। तब क्या कहा, ब्रह्म की बात है ना भाई, ब्रह्म में तुम ऐसा मत कहो, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य, निधिध्यासितव्य से योग की सार्थकता हो गई, निधिध्यासन माने ध्यान, मंतव्य से तर्क की सार्थकता हो गई, श्रोतव्य से शास्त्र की सार्थकता हो गई, क्या श्रोतव्य से शास्त्र की श्रुति प्रधान श्रवण होगा, युक्ति प्रधान मनन होगा, ध्यान प्रधान निधिध्यासन होगा, तो निधिध्यासितव्य से योग की सार्थकता हुई या नहीं, और मंतव्य से तर्क की सार्थकता हो गई। तो ब्रह्म के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म जो है आगमयिक समधिगम्य, इसलिए हमको जब आप जगत कारण पर विचार करोगे तो तर्कना शक्ति का आलंबन लेकर टांग हराने का अधिकार प्राप्त है। क्या हुआ, टांग हराने का अधिकार कहाँ से प्राप्त हो गया, यदि ब्रह्म भी धर्म के समान ही, क्या ब्रह्म भी धर्म के समान ही केवल शास्त्रिक समधिगम्य होता तब तो हमारा मुंह बंद कर सकते थे, लेकिन श्रुति क्या कहती है, मंतव्य भी कहती है, निधिध्यासितव्य भी कहती है, तो योगियों का मुख आप इसलिए नहीं बंद कर सकते क्योंकि निधिध्यासन ध्यान को कहते हैं, सांख्यों का मुँह इसलिए नहीं बंद कर सकते, न्यायी कहेंगे हमारा मुँह नहीं बंद कर सकते, वैशेषिक कहेंगे हमारा मुँह नहीं बंद कर सकते क्योंकि मंतव्य है, श्रोतव्य से शास्त्र की प्रधानता हुई या नहीं, श्रुत अर्थ का आगमिक युक्तियों का आलंबन लेकर जो निर्धारण है उसका नाम है मनन, क्या आगमिक माने
आगम सम्मत। श्रुत अर्थ का आगम के अविरुद्ध और अनुकूल तर्कों के द्वारा जो निर्धारण है उसका नाम है मनन। श्रुत तथा मत अर्थ जो है तत्व है तदनुकूल वृत्ति का प्रभाव हो गया निधिध्यासन। श्रवण के स्थान पर श्रवण, मनन के स्थान पर मनन, निधिध्यासन के स्थान पर निधिध्यासन, तो निष्ठा तब होगी ना। युक्ति के द्वारा भी पुष्ट कर लिया श्रुत पदार्थ को, तदनुकूल धारणा के द्वारा ध्यान के द्वारा किया कि और हृदयंगम कर लिया तो स्थूणा निखंडन न्याय न ब्रह्मनिष्ठा हो जाएगी। सुन के भूल गए फिर मनन भी होना चाहिए। श्रुति सम्मत पदार्थ को युक्तियों के द्वारा भी निर्धारण कर लें तो मनन हुआ। श्रुत और मत जो तत्व है आत्म तत्व तदाकार वृत्ति का प्रवाह कर दिया तो निध्यासन हो गया। इसलिए धर्म के बारे में न सही, ब्रह्म के बारे में तो भले आदमी हमारे मुँह खोल बंद मत करो, खोलने दो, यह हुआ। लेकिन मनुस्मृति का वचन है, हमने कहीं उद्धृत किया है, देखिए 12106 मनुस्मृति, पहले से याद था इसलिए पढ़ा हुआ बहुत साथ देता है। क्या कुछ चीज ऋग्वेद में 40 साल पहले पढ़ी होगी, अभी जरूरत पड़ी तो हमने कहा इन सबको दसवें मंडल में हो सकता है। कभी कोई 30 साल पहले ग्रंथ पढ़ा उसकी आज जरूरत पड़ी तो फिर होता भाई इस ग्रंथ में हो सकता। वाल्मीकि रामायण हमने 50 साल पहले पढ़ा तो राम जी की वंशावली की जरूरत पड़ गई राम जन्मभूमि पर। अभी तो हमने कहा कि वशिष्ठ जी ने जनक जी के सामने विवाह के पहले सूर्य वंश का वर्णन किया है तो मिल गया अयोध्या कांड। अयोध्या मानव निर्मित विश्व की प्रथम राजधानी है, ये मिल गया बालकांड में। उधर शंकराचार्य का भाष्य ध्यान में था, गीता के 4th अध्याय में आदि राजा इक्ष्वाकु हैं, ये वर्णन मिल गया। तो सुना पढ़ा हुआ कभी न कभी काम देता है या नहीं। आर्षम धर्मोपदेशम च वेदशास्त्रा विरोधिना यस्तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतरः। मनुस्मृति 12106। अब मैं विचित्र ढंग की बात कहता हूँ, ब्रह्म में ही नहीं, यहाँ वो पूर्व पक्ष नहीं उठाया गया, अतिरिक्त अगर पूर्व पक्ष उठाया जाता तो क्या करना चाहिए था। अरे ब्रह्म में ही नहीं धर्म में भी तर्क की दाल गलती है। छोटे मोटे धर्माचार्य नहीं दिख रहे, मनु जी कह रहे हैं। आर्षम, आर्ष माने हुआ वेद, आर्षम या आर्ष का अर्थ होता है वेद। यहाँ पर आर्ष माने ऋषि के द्वारा, ऋषि जिस मंत्र के दृष्टा होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऋषि मंत्र, ऋषि मंत्र दृष्टारह। आर्ष माने ऋषि के द्वारा दृष्ट, आर्ष का अर्थ हो जाता है यहाँ पर कुलुक भट्ट के अनुसार वेद। आप्तवाक्य, आप्त माने सिद्ध व्यक्ति के द्वारा, वाक्य नहीं वो तो स्मृति हो जाएगी। आर्ष का अर्थ होता है ऋषि के द्वारा दृष्ट, यह है उपदिष्ट। दृष्ट, दृष्ट का मतलब जैसे नवार्ण मंत्र है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता इसके दृष्टा हैं, किसके रचयिता नहीं दृष्टा। ब्रह्मा ही पर्याप्त, विष्णु ही पर्याप्त, शिव ही पर्याप्त, लेकिन नवार्ण मंत्र की इतनी महिमा क्यों है, तीनों देव जो हमारे हैं वो इसके दृष्टा हैं। अश्वमेध यज्ञ का इतना महत्व क्यों है, प्रजापति इसके दृष्टा हैं। आर्ष का अर्थ होता है ऋषि के द्वारा दृष्ट, ऋषि के द्वारा दृष्ट माने वेद हो गए, कृत नहीं दृष्ट। स्मृति तो ऋषि के द्वारा विरचित, और यहाँ पर श्रुति जो है ऋषियों के द्वारा दृष्ट। विश्वामित्र ऋषि सब कहते हैं ना विनियोग में,
ऋषि का नाम लेते हैं। आर्षम, आर्ष का अर्थ हो गया श्रुति। व्याकरण वाले कई बार ये यहाँ पर आर्षम धर्मोपदेशम में जो प्रकरण के आधार पर आर्ष का अर्थ होता है वेद, और वो जो कहते हैं दो शब्द का प्रयोग करते हैं, छांदसा प्रयोग है फिर आर्षभ प्रयोग है। विभाग जब करना होता है, जैसे देखिए निगमागम सम्मत जब कहेंगे तो निगम माने वेद, आगम माने स्मृति, निगम माने श्रुति, आगम माने स्मृति। लेकिन जब निगम शब्द का प्रयोग ना हो, आगम शब्द का ही प्रयोग हो, तब आगम का अर्थ हो जाता निगम। क्या मर्यादा है, आगम निगम दोनों होगा तो निगम का अर्थ वेद, आगम का निगमागम सम्मतम यथ। निगम आगम दोनों शब्द का प्रयोग हो तो निगम का अर्थ वेद, आगम का अर्थ स्मृति, उधर श्रुति इधर स्मृति। केवल आगम का हो तब श्रुति के अर्थ में आगम शब्द का प्रयोग हो जाएगा। ऐसे ही तो ऋषि लोग जो होते हैं जिनके नाम पर जो स्मृति है उसके रचयिता बुद्धिपूर्वक, क्या वेदों के दृष्टा होते हैं मंत्रों के रचयिता नहीं। जब ईश्वर भी रचयिता नहीं होते तो ऋषि तो क्या होंगे। पहले शास्त्रार्थ बहुत हो चुका है ना, ईश्वर भी वेदों के रचयिता नहीं होते, उपदेष्टा होते हैं। अनादि अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि का पूर्व कल्प में स्थित, पूर्व कल्पों में स्थित अनादि अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि का ईश्वर दर्शन करके फिर ब्रह्मा आदि को उपदेश देते हैं। आन पूर्वी भगवान भी नहीं बदलते, हमारे तो हमारे नाना नानी हमारी क्या डाल गलेगी। आन पूर्वी भगवान भी नहीं बदलते, क्या गणानंतवा गणपति गम हवा महे। ऐसे ही जब कहते छंद सब प्रयोग है, श्रुति जो है अश्वमेध घोड़े के समान क्या है, वो बेरोक टोक चलती है। तो श्रुतियों में क्या होता है, लिंग व्यत्यास, पुल्लिंग होना चाहिए, नपुंसक लिंग कह दिया तो श्रुति पर आप कुछ आक्षेप नहीं कर सकते, प्रकरण के बल पर पुल्लिंग को नपुंसक लिंग में परिवर्तित कर दीजिए। ऐसा वचन व्यत्यास, क्या काल व्यत्यास, भूतकाल को लेकर श्रुति प्रयुक्त हो गई, काल तो भूतकाल का, प्रकरण वर्तमान का है तो वर्तमान में ढाल दीजिए, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, पुल्लिंग को नपुंसक कर दीजिए। वचन भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए, तो वहाँ हम श्रुति को नहीं छेड़ेंगे, हम वहाँ कहेंगे छांदसा प्रयोग है। यहाँ आर्षभ प्रयोग है जब कहेंगे तो भाई वेदव्यास जी ने लिख दिया, अब उनमें भूल निकालना ठीक नहीं है। यहाँ अपनी ओर से जो लौकिक व्याकरण है उसके अनुसार आप अर्थ कर लीजिए, लेकिन वहाँ ज्यों के त्यों रहने दीजिए। तितिर सताम है या नहीं भागवत में, तितिर सताम, तितिर सताम बोलेंगे तो छंदो भंग हो जाएगा। शब्द तो ठीक है लेकिन तितिर सताम बोलना पड़ेगा, छंदो भंग ना हो। गायत्री में 24 की पूर्ति के लिए फिर तोड़ के बोलना पड़ेगा, शब्द तो शुद्ध है लेकिन छंदो भंग हो गया, तो आर्षभ प्रयोग हो गया वहाँ पर, वहाँ छंद सब प्रयोग हो गया। कहाँ पर, गायत्री में, गायत्री में अक्षर की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, वहाँ पर जोर से खींचेंगे। यहाँ पर भागवत में तितिर सताम लिखा है, जैसा वैसे पढ़ेंगे तो छंद का जिसको ज्ञान है हंस देंगे। शुद्ध तो है लेकिन छंद की दृष्टि से एक मात्रा की कमी होती है, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, तितिर सताम, तितिर सताम नहीं बोलेंगे, तितिर सताम। ऐसा रामायण तो आर्षभ प्रयोग का मतलब ऋषि के द्वारा, कहीं पर आर्ष का अर्थ हो जाता है छांदस, कहीं पर आर्ष का अर्थ होता है ऋषि के द्वारा प्रयुक्त, वो प्रकरण के बल पर आर्ष का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर आर्ष के
का अर्थ क्या है, वेद, कि कृष्ण लिखा कुलुक भट्ट। धर्मोपदेशम च, क्योंकि धर्मोपदेशम आ गया ना स्मृति को लेकर, श्रुति स्मृति। वेद शास्त्रा विरोधिना, वेद और शास्त्र देखिए दोनों दे दिया ना, आर्ष भी है धर्मोपदेश भी है। आर्ष के लिए वेद ले लिया, धर्मोपदेश के लिए शास्त्र ले लिया। या शास्त्रविद मुश्रित या माने शास्त्र का अर्थ केवल वेद हो गया। जहाँ पर वेद शास्त्र कह देंगे तब वेद माने श्रुति, शास्त्र माने स्मृति। वेद शास्त्र के अविरुद्ध हो या तर्केण अनुसंधत्ते, फिर ऐसे तर्क के द्वारा जो अनुसंधान करता है वही धर्म को जानता है, न कोई कोई अन्य। इस वचन मनुस्मृति 12:106 के अनुसार क्या सिद्ध हुआ, धर्म को लेकर भी तर्क की संभावना है। धार्मिक क्षेत्र में भी तर्क कर सकते हैं लेकिन अविरुद्ध। वहाँ तर्क का अर्थ क्या हुआ, मीमांसादि न्यायेन। मीमांसा पूर्व मीमांसा है या नहीं, उत्तर मीमांसा है तो पूर्व मीमांसा भी है। ब्रह्म परक वचनों में जब सामंजस्य साधा जाता है तब उत्तर मीमांसा, और धर्म के प्रतिपादक वचनों में बलावल की दृष्टि से जब संगति साधी जाती है तो पूर्व मीमांसा। तो यहाँ पर तर्क का अर्थ हुआ मीमांसादि न्यायेन, मीमांसादि की सरणी से। धर्म को लेकर कई वचन हैं, उनमें बलावल का निर्धारण किससे होगा, तर्क के द्वारा। तर्क का अर्थ क्या हुआ वहाँ पर, मीमांसा ये हुआ। अब ब्रह्मपरक वचनों में, यहाँ ब्रह्मपरक वचन है या आदित्य का अर्थ आदित्य ही है, वायु का अर्थ वायु ही है, आकाश का अर्थ आकाश ही है या ब्रह्म है, ये सब जो प्रसंग आएगा तो वहाँ उत्तर मीमांसा की सरणी से तर्क होना चाहिए, यहाँ पूर्व मीमांसा की सरणी से तर्क होना चाहिए। दोनों में तर्क का प्रवेश हो गया या नहीं, लेकिन यहाँ पर कहा हम जगत कारण को लेकर, जगत कारण भूत होगा या भव्य, जगत कारण भूत होगा या भव्य, या सूर्य जी बता सकते, जगत कारण भूत होगा या भव्य। अरे सूर्य जी, भूत कहाँ रहता है, वही स्वर्ग द्वार। हाँ क्या कह रहे हैं, पंचभूत कह रहे हैं। हाँ सुना है, इतना तो याद है। सिद्ध भूत माने सिद्ध, भूत माने सिद्ध पदार्थ, अभव्य माने अनुष्ठेय। अनुष्ठान करने पर कृति साध्य कौन होगा, भव्य। स्वतः सिद्ध कौन होगा, भूत। पूर्व सिद्ध कौन होगा, भूत। उत्तर सिद्ध उत्पाद्य कौन होगा, भव्य। हो गया ना, तो क्या अर्थ हुआ यहाँ पर प्रश्न उठा कि अगर यहाँ धर्म का विवेचन होता तो एक विचित्र बात, जिसको लेकर सब अविरुद्ध हैं वो भी अब समाप्त कर दिया गया, नहीं ध्यान गया। छेवो दार्शनिक जो हमारे हैं वो वेदों को प्रमाण मानते ना, तो धर्म का स्वरूप पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा न्याय सांख्य योग वैशेषिक एक ही है, धर्म को लेकर कोई विवाद नहीं। बहुत ऊंची बात, आजकल सबसे ज़्यादा विवाद अब ये जो ब्रह्म ब्रह्म करते हैं आप लोगों को छोड़कर, स्वहम शिवम वहम वाले सबसे ज़्यादा शत्रु हो जाते धर्म के। लो जी क्या रहस्य क्या है मालूम है, धर्म को लेकर, अब शूद्राधिकरण में सब आया ना, धर्म को लेकर छेवो दर्शन प्रायः एक मत है। कोई वर्णाश्रम मानता हो कोई नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं जी सब। क्यों, किसने मुंह बंद कर दिया, भव्य है वहाँ वैदिक समाधिगम में, वहाँ हम क्या तर्क करेंगे। देखिए विचित्र बात हुई ना, पूर्व मीमांसा हो उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा तो बिल्कुल धर्म के लिए ही है, लेकिन सांख्य हो योग हो न्याय हो वैशेषिक हो, धर्म को लेकर कोई मुंह नहीं खोलेगा। क्यों नहीं खोलेगा,
अरे भाई वो तो अनुष्ठेय है, साध्य साधन भाव का निर्णय हमारी खोपड़ी करेगी क्या? ब्रह्म को लेकर विवाद हो सकता है, जगत कारण को लेकर, क्योंकि वहाँ तर्क की गुंजाइश है, तर्क का प्रवेश हो जाता है। हमने संकेत किया या नहीं, जो निर्विवाद था वो सबसे ज़्यादा विवाद का विषय हो गया। ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाने वाले भी धर्म के पीछे शत्रु बन के घुस गए, प्रविष्ट हो गए। उल्टी बात क्या क्या उल्टी बात हुई, बोलो मोहक बाबू। हाँ आप नहीं कह रहे, आप तो नहीं कह रहे होगे ना, माने इससे कुछ दूर हो। हाँ क्या माने, जहाँ एक होना चाहिए वो ब्रह्म को मानने वाले भी किसके पीछे आरोहते पड़ गए, धर्म के। तो धर्म के आरोहते पड़ गए तो तुम ब्रह्म जिज्ञासु कैसे हो सकते हो? क्या पकड़ा भगवान शंकराचार्य ने कपिल जी के नाम पर, क्या तर्क दिए मालूम है, याद है? हम बताते हैं फिर। भाई तुम कहते हो कपिल सिद्ध हुए, सिद्ध कैसे हुए जी? कवने सिद्धि की बिन विश्वासा, धर्म के प्रति विश्वास आस्था रखकर धर्म का अनुष्ठान किया, उसके फलस्वरूप कोई सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध क्यों होता है? धर्म में आस्था रखकर धर्म का ज्ञान, धर्म में आस्था रखकर धर्मानुष्ठान, बिना धर्म के कोई सिद्ध हो सकता है? तो वेद का आलंबन लिया तब तो धर्म का ज्ञान हुआ, उसमें आस्था पूर्वक उसका अनुष्ठान किया तब सिद्ध हुए। अब सिद्ध होकर वेद के पीछे पड़ गए तब सिद्ध मानेंगे या कुछ और मानेंगे, पिशाच भूत प्रेत मानेंगे? यही हुआ है ना। तुम सिद्ध जिसको कहते हो सिद्ध कहाँ से हुए ये बताओ। सिद्ध भी कवने सिद्धि के बिन विश्वासा, माने धर्म में आस्था और धर्मानुष्ठान के बिना कोई सिद्धि मिल सकती है क्या? सिद्ध अगर कोई है तो धर्म का खंडन करेगा, जिसने तुमको सिद्ध बनाया उसी से तुम्हें दुश्मनी, ध्यान गया है नहीं? तो सिद्ध बन के धर्म का खंडन करते हैं वर्णाश्रम आदि का, उनको क्या समझना चाहिए? श्मशानी सिद्ध, श्मशान में विवाह कराने वाला करने वाला यही पकड़ा ना। सिद्ध हैं तुम्हारे गुरु, हम क्या माने? धर्म के विरोधी हैं, सिद्ध हो सकते? अरे जिस धर्म ने किसी को सिद्ध बनाया वो उसी का खंडन करेगा, नहीं ना? ये बात तो एक विचित्र बात हो गई ना। धर्म तो वेदिक समधिगम में हो गए, अब उन वचनों में बलाबल के लिए तर्क है ना। क्या धर्म को अधर्म सिद्ध करने के लिए थोड़े तर्क होगा, वचनों में बलाबल को लेकर के तर्क हुआ यहाँ पर। क्या धर्म को अन्यथा सिद्ध करने के लिए नहीं ना? तुम तो हमारे ब्रह्म को अन्यथा सिद्ध कर रहे हो, किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। तो धर्म, लेकिन एक विचित्र बात है, सबका मुँह किसने बंद कर दिया? वैदिक आस्था। वो क्या है भाई? धर्म तो अनुष्ठेय है, उसमें तो शास्त्र ही प्रमाण है, उसमें हमारी बुद्धि खोपड़ी तर्क की कोई गति नहीं है, आँख मूंद के मानो। क्या साध्य साधन भाव बताओ, हमने क्या कहा था 15 दिन पहले? नेताओं को सुनने योग्य सुनते ही नहीं हो, तो बहरे होते हैं जिनको सुनना चाहिए उनके कान नहीं, जो सुनते हैं उनके क्या, जो सुनते हैं उनके क्या नहीं है, जो सुनते हैं उनके पाठ सुनने वाला एक भी साथ देता है? मैं कम से कम 50 साल से नहीं 55 साल से पढ़ा रहा हूँ ये वेदांत, ये सब शायद ही, ये तो सब साथ में रहते हैं, शायद ही कोई पाठ पढ़ने वाला कोई योजना में कभी स्वप्न में भी साथ देता है क्या? जो कान वाले हैं वो अकल के दुश्मन हैं, और जो अकल वाले हैं उनके कान ही नहीं है कि सुने। दुनिया बहुत विचित्र हुई है ना। क्या पाठ पढ़ने वाले वृंदावन में कोई आने पढ़ाए हुए भगवत कृपा से वाइस चांसलर हो गया, कोई कुछ हो गया, अभी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का जो मीमांसा विभाग का अध्यक्ष कमलापति या कमलाकांत त्रिपाठी, वो हमारे पढ़ाए हुए हैं, मिलना जुलना कुछ नहीं, कोई कुलपति हो गए नेपाल के पढ़े हुए व्यक्ति, कोई कुछ
पचासों संतों ने पढ़ा होगा, दस पांच गृहस्थ हो गए, कोई कुलपत हो गया, कोई कुछ, किसी से लेना देना कोई ना। क्यों? जो पाठ सुनते हैं वो साथ देंगे मोर्चे पर, बिल्कुल मत कल्पना कीजिए। और जो सुन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं नेता लोग, उनके कान नहीं, वो बहरे और इनके ये सुनते हैं किस लिए मालूम है? आराम पूर्वक ब्रह्म बन के रहें, हाथ पांव नहीं मिलाना पड़े, चाहे गाय कट जाए, गंगा सूख जाए, कुछ भी मतलब नहीं इनको, वो विपरीत है। अब व्यक्ति कौन साथ देगा? व्यक्ति कौन साथ देगा? कान से बहरा ना हो, समझ भी हो कि भाई ये परंपरा कौन चल, बांग्लादेश में पाठ करूँ ना, तालिबान के शासन में हनुमान चालीसा चुप के ले जाओगे जेल में डाल दिए जाओगे, हनुमान चालीसा पकड़ ले गई तो जेल में डाल दिए जाओगे, रोटी खाओ हनुमान चालीसा का प्रवेश नहीं है। अब वहाँ जाकर हम ये कथा कह सकते हैं? जब धर्म राज्य नहीं होगा तो क्या करेंगे? ममता जी के राज्य में रामायण कहने जाएंगे इस समय? राम जी का ममता जी के राज्य में रामायण कहने जाएंगे इस समय? क्या बड़ी विकट बात है। इसीलिए कहा तो किसने सबको मुँह का मुँह बंद कर दिया जी? भाई धर्म वेदिक समाधिगम में है, वहाँ हम अपनी टांग नहीं हराएंगे, वहाँ बिल्कुल आँख मूंद के ज्यो के त्यों मानना पड़ेगा। तो मैं क्या कहा करता हूँ? मर्त्य लोग पर तो नेताओं का अधिकार हो ही गया ना, बाबाओं का तो कहीं कोई अधिकार नहीं है मर्त्य लोग, अब नेता टाप के बाबाओं का अधिकार हो गया तो ठीक है। मर्त्य लोग का ठेका किसने ले लिया? शासन तंत्र ने पूरे विश्व का। तो वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड बहुत ऊंची चीज़ है, वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड को ताक पर रखकर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करो, नरक बना तो सकते हो? विश्व में जहाँ कोई चमत्कृति है किसकी देन है? अरे वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड, आज कोई सूर्य है तो कौन था पहले? चंद्रमा आज हैं तो कौन थे कोई? आजकल ब्रह्मा है, यही तो पाठ चल रहा है ना, सुबह ढाई महीने से लगभग चला रहे, पिछले साल भी एक महीना निर्धारण। आज कोई ब्रह्मा है प्रजापति हैं तो अश्वमेध यज्ञ किया मनुष्य होकर, यजमान होकर क्षत्रिय कुल में जन्म लेके, तब ना राजसी यज्ञ किया, तो आज कोई इंद्र है या नहीं? विश्व में आज कोई वरुण है कुबेर है कौन है? मनुष्य थे नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अमुख तक्षाधिकरण कोई बढ़ई नहीं, शास्त्र विधि से यज्ञ किया तो मरने के बाद उसको दिव्य वैभव की प्राप्ति हुई है ना। विश्व में जहाँ कोई चमत्कृति है किसके कारण है? धर्म के कारण, माने वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड के कारण। और विश्व को नरक बनाना हो तो वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड को मत मानो, ज्ञान कांड तो क्या मानोगे? तो ये जो कुछ प्रक्रिया चल रही है विश्व को सजाने की और नरक बनाने की प्रक्रिया है या वैकुंठ? बस सर्वथा विपरीत हुआ है, इसलिए तो क्या हुआ पूरा कर दें ये पेज। न धर्म इव ब्राह्मण ही अपियन अपेक्ष आगमो भवितुम अर्हति भवेद अयम अवस्तम्भो यदि प्रमाणांतरा नवगाह्य आगम मात्र प्रमेयोयमर्थ स्यात् अनुष्ठेय रूप इव धर्म परिनिष्पन्न रूपम तु ब्रह्मावगम्यते। हमारा मुँह बंद तब करते श्रीमन जब राज्यसभा में सुषमा जी के पति सदस्य थे और सुषमा जी बोल रही थी, उनके पति राज्यपाल भी पहले रह चुके थे, उन्होंने एक प्रश्न कर दिया, दूसरी पार्टी से थी वो थे, पति दूसरी पार्टी से भाजपा से, बहुत शिष्ट शब्दों में सुषमा जी ने कहा श्रीमन, पतिदेव तो नहीं कहा पर श्रीमन, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यह। पति थे दूसरी पार्टी से, हरियाणा किसी और पार्टी से, पत्नी थी भाजपा में, राज्यसभा में बोल रही थी, पतिदेव ने ही प्रश्न कर दिया, तो साध्वी भारतीय महिला ब्राह्मण घर की देवी ने कहा श्रीमन आपका जो प्रश्न है इसका समुचित उत्तर हमारी पार्टी के पास, हमारे पास ये है, आपको धन्यवाद। ठीक है या नहीं? तो कहा कि अगर धर्म के समान ही ब्रह्म होता उसमें तर्कना शक्ति के दाल नहीं गलती, मैं ब्रह्म को लेकर भी हम लोग मौन रहते, लेकिन मंतव्य आदि वचनों के अनुसार
यहाँ जगत कारण का वर्णन चल रहा है, यहाँ तो मुँह खोलने का हमको अवसर है। योगी ने कहा, योगियों ने, यहाँ तो मुँह खोलने का अवसर है, निध्यासितव्य है। सांख्यों ने कहा, यहाँ मंतव्य है, हमारी बात सुननी पड़ेगी, आपको आक्षेप का उत्तर देना पड़ेगा, दीजिए। परिनिष्पन्न च वस्तुनि प्रमाणांतरा, परिनिष्पन्न जो वस्तु है माने सिद्ध वस्तु है, क्या क्या बढ़िया चल रहा है। ऐसा करते ना भगवान, पहले पृथ्वी बना देते, फिर आकाश बना देते, उलट फिर ना, भगवान भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? मर्यादा का अतिक्रमण भगवान भी नहीं करते। भूत पदार्थ हैं, सिद्ध पदार्थ हैं ना, सिद्ध पदार्थों में यथा पूर्व कल्पयत, केवल वेद ही नहीं, एक दिन हमने बताया था, वृदारण्यक में आगे आएगा। लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि भगवान जगत रचना में पूर्ण स्वतंत्र हैं, भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम, क्योंकि वहाँ पर श्रुति का ने क्या कह दिया, वेदों के लिए था पूर्व कल्पयत कहा या इसके लिए। वेद तो अनपूर्वी घटित होते हैं, सृष्टि तो अनपूर्वी घटित नहीं है, तो शंकराचार्य ने कहा शब्द के वो जो निश्वसित वेद हैं, वृदारण्यक में वेद को जाकि सहज श्वास श्रुतिचारी, वेदों के उपदेष्टा भगवान हैं, रचयिता नहीं। वहाँ पर लोगों ने समझ लिया कि सृष्टि के बारे में ये चीज़ नहीं है। शंकराचार्य ने कहा जो शब्द को लेकर बात कही गई, अर्थ पर भी लागू है। शब्द और अर्थ में प्रधान कौन होगा? शब्द, शब्दाधीन अर्थ होता है ना, गिरा रथ जल बीच से। लोग समझते हैं कि भगवान जो है सृष्टि रचना में क्या है ना, यथापूर्व आकाश के बाद ही वायु बनाएंगे, आप भी वायु के बाद ही तेज बनाएंगे, तेज के बाद ही जल बनाएंगे, जल के बाद ही पृथ्वी बनाएंगे। इसीलिए भगवान पूर्व कल्प में जो सृष्टि की, क्योंकि भूत पदार्थ है ना ये, क्या सिद्ध पदार्थ हैं, पूर्व कल्प में जो सृष्टि का क्रम था, सन्निकट सविशेष का नाम कार्य, सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण, उसका अनुपालन भगवान को भी करना ही है। भगवान स्वतंत्र नहीं है, या भगवान की दुर्बलता है या प्रबलता, एक दिन बताया था ना, लोगों को समझा में आए, तो भगवान क्या रह गए भाई, ना तो वेद की रचना कर सकते, ना जगत की मनमानी रचना कर सकते, स्वतंत्र के इससे तच्छे हम स्वतंत्र हैं। चावल दाल बनावें, रोटी बनावें या न बनावें, भूखे रहें, निर्जल रहें, फल पालें, लोग यही समझ, वहाँ जो परतंत्रता है या स्वतंत्रता है या क्या। जब हमसे कहे कि जरा सिनेमा हो देखाइए, तो हम कहेंगे एक तो हम सन्यासी, विद्यार्थी जीवन में कभी सिनेमा नहीं देखे, अब क्या देखेंगे। फिर शंकराचार्य, अच्छा आप शंकराचार्य की मर्यादा में बंधे हैं, उन आपसे तो अच्छे हम हैं, जहाँ चाहें जा सकते हैं, तुम्हारी उच्छृंखलता सिद्ध होगी, हमारी मर्यादा, हमारा ईश्वर तो सिद्ध होगा या नहीं। भगवान को जिन मोर्चे पर परतंत्र कहा जाता है, वो भगवत्ता का पोषक है, परतंत्रता या नहीं, यही कहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, शांति।